अब बरदस में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ संस्कृत विषय से एकादश पाठ अर्थात 11 पाठ अध्ययन करेंगे, जिस 11 पाठ में आप देखेंगे व्याघ्र पथिक कथा अर्थात व्याघ्र और पथिक की कथा एक है, बाघ और एक रागी की कथा है, एक यात्री की कथा है, जिसमें आप देखेंगे कि इस कथा के माध्यम से लोग जब मनुष्य के अंदर समा जाता है, जिस मनुष्य के अंदर लोभ की प्रवृत्ति होती है, वह व्यक्ति किस तरह से अपने जिंदगी में नुकसान उठाता है, इन्हीं बातों पे इस कथा में जिक्र किया गया है, जिसमें हम सभी व्यक्तियों को अपने मन के अंदर से लोभ को त्याग देना चाहिए। और त्यागने के साथ इस कहानी में हमें बहुत तरह की सीखें मिलेगी, बहुत तरह की जानकारियां हासिल होगी, जिसमें इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे। अभी इसमें सबसे पहले कहानी का जो शीर्षक दिया हुआ है कि अयम पाठ, इस पाठ में अयम पाठ नारायण पंडितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलित, अर्थात यह कहा जाता है कि अयम पाठ, इस पाठ में नारायण पंडितस्य नारायण पंडित के द्वारा लिखा हुआ हितोपदेश नामकस्य, हितोपदेश नाम के जो नीति ग्रंथस्य, नीति ग्रंथ है हितोपदेश नाम का, जो नीति का ग्रंथ है, इस नीति ग्रंथ में जहां मित्र लाभ नाम खंड मित्र लाभ नाम नामक खंडात संकलित, मित्र लाभ नाम का यहां पे एक तरह का खंडन संकलित किया हुआ है। इसमें हितोपदेश, हितोपदेश से बालका नाम मनोरंजय नीति शिक्षण नाम च नाना कथा, हितोपदेश की बात अगर किया जाए कि बालका नाम मनोरंजनाय, यानी कि बालकों के मनोरंजन के लिए यह हितोपदेश में जो नीति शिक्षणां च नाना कथा, नीतियों से संबंधित शिक्षा देने के लिए नाना कथा, विभिन्न प्रकार के कथाओं का यहाँ पे जिक्र मिलेगा। जो हितोपदेश में आप पढ़ेंगे, हितोपदेश का अध्ययन करेंगे, तो उसमें बहुत तरह के ऐसे जिक्र मिल सकता है। और ऐसे जिक्र के रूप में देखेंगे कि नाना कथा पशु पक्षी संबदास्रावीता, यानी पशु पक्षियों से संबंधित ऐसे बहुत सी कहानियां आपको उस नीति उपदेश में उपलब्ध हो जाएगी, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने आचरण को कैसे व्यवहार करे, मनुष्य अपने विचारों को किस प्रकार से समाज में प्रस्तुत करे, इन तमाम बातों की जानकारियां यहाँ पशु पक्षियों के कहानी के माध्यम से भी मानव के जीवन से जोड़ा गया एक कथा है। और ऐसे कथाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। प्रस्तुत कथा नाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित, अर्थात इस प्रस्तुत कथा में लोभ के कारण, यानी लोभस्य लोभ के कारण दुष्परिणाम और प्रकट, यानी लोभ का जो दुष्परिणाम है यह प्रकट कैसे होता है, लोभ के कारण दुष्परिणाम जो आता है वह दुष्परिणाम किस प्रकार का होता है, गलत परिणाम क्या मिलता है, तो पशु पक्षी कथनाम मूल्यम मानवनाम शिक्षार्थ प्रभुत भवति इति एतादृश भी कथा भी ज्ञायते, पशु पक्षियों से संबंधित जो मूल्य है, पशु पक्षियों का ऐसे जो मूल्य बताया गया है कि मानव नाम, यानी मानवों के संबंध में शिक्षार्थ प्रभुत्व भवति, यानी शिक्षा के बारे में जो बताया गया है कि पशु पक्षियों का जो मूल्य है, इस मूल्य में इति एतादृश भी कथा भी ज्ञायते, इस तरह के जो कथा है, इस कथा के बारे में यहाँ पे ज्ञात होता है। इस कथा में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरह की यह कथा है, कैसे इस कथा का वर्णन किया गया है। तो इसमें अब हम लोग यहाँ पाठ के संबंध में देखेंगे कि पाठ के संबंध में किस प्रकार की कथाओं का जिक्र किया गया है, इस पे हम बातें करेंगे। कहानी में क्या दिया गया है कि कश्चित वृत्त व्याघ्र स्नातम कुस्त हस्त सरस्वती ब्रूते भू भूपांथा, अर्थात इस कहानी में कहा जाता है कि किसमें की बात है कि एक वृद्ध व्याघ्र, यानी बूढ़ा बाघ जो है, स्नात स्नान किया हुआ, कुष्ठ हस्त सरस्वती वृते, हाथ में सोने का कंगन लेकर सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती के किनारे ब्रूतो भो भोपान था आवाज दे रहा था, भो भोपान था हे पथिक, हे पथिक, हे राही, इदम सुकंकणम गृहाताम या सोने का कंगन ग्रहण कर लो, इदम सुकंकणम गृहाताम यानी यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो, ततो लोभा क्रिस्टेन, ततो लोभा क्रिस्टेन केनचित्त्यापान्थ न लोचितम भागेन एतत् संभवति, तभी लोभ से आकृष्ट होकर, तभी लोभ से आकृष्ट होकर यहाँ केनचित्त्यापान्थ वो सोचता है, एक पथिक सोचता है, यहाँ लोभ से आकृष्ट होने के बाद क्या सोचता है कि
भाग्य भाग्य नैत संभवती, ऐसे भाग्य से ही संभव है कि बिना मेहनत किए हुए, बिना परिश्रम किए हुए, जिसके अंदर लोभ आ जाता है, जिसके अंदर लालच आ जाता है, उसके दिमाग में यह बात आता है कि बिना मेहनत किए हुए अगर कुछ हासिल हो जाए तो ये लोभ का ही कारण है। तो ऐसा ही लोभ के आधार पर उस पथिक के अंदर एक तरह का लोभ घिर जाता है, और लोभ इस प्रकार का घिरता है कि भाग्य से ही ऐसा संभव है। किंचित अस्मित संदेह संदेहम प्रवृत्तम विधेय यातः, इसमें कहीं संदेह की बात नहीं है कि उसके अंदर लोभ नहीं आता है, क्योंकि लोभ की बात जब आती है तो समझिए कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जब लोभ की भावना आती है तो इस कहानी में और भी आगे बातें मिलेगा कि क्या क्या उसे परिणति से गुजरना पड़ता है। तो जिसमें आप देखेंगे इस श्लोक में, पहले श्लोक में यह दिया गया है अनिष्टादिष्ट लाभ अपि न गति जाते शुभा यात्रास्ते विषम संसर्गो मृतम तदापि मृतवे, अर्थात कहा जाता है कि अनिष्ट जो होता है, यानी अनिष्ट होने से लाभ जब हो, अगर अनिष्ट होने से लाभ होने पर कहा जाए तो उस गति का सुख नहीं होता है। अनिष्ट हो और अनिष्ट से कोई लाभ हो तो उस लाभ से किसी प्रकार का सुख नहीं, यानी सुख नहीं मिलता है। जिस तरह से अमृत अगर होता है, यानी कहा जाता है यत्रास्ते विष संसर्गो मृतम तदापि मृतवे, अमृत के संसर्ग में यदि विष का प्रविष्ट हो जाए, अमृत के साथ अगर विष का मिलन हो जाए, तो समझिए कि व्यक्ति अगर अमृत का ग्रहण करेगा तो विष का असर तो पड़ेगा ही, अर्थात उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, उस व्यक्ति का नाश हो सकता है, चाहे वो अमृत ही क्यों ना ग्रहण करता हो, लेकिन विष के साथ अगर ग्रहण करता हो तो समझिए कि उस अमृत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अमृत के साथ साथ उसे विष भी ग्रहण करने के साथ, यानी विष का प्रभाव उसके ऊपर निश्चित पड़ता है। तो वही चीज है कि अनिष्ट से अगर लाभ भी होता है तो भी कहिए कि यहाँ उसके गति में किसी प्रकार का सुख नहीं होता है। फिर यहाँ कहा जाता है किंतु सर्वत्र जानम प्रवृत्तम संदेहम एवं, यानी कि लेकिन यहाँ कहा जाता है कि सुख जो होता है, सुख सब जगह पे, यानी सभी जगह पे सर्वत्र जन्य प्रवृत्तु संदेहम एवं, यानी सभी जगह पर सर्वत्र जो उपार्जन की बात होता है, उपार्जन की स्थिति में यहाँ संदेह तो होता ही है, संदेह तो होना तय है, क्योंकि तनिरुप्यामी तावत, वो थोड़ा सा यहाँ बताता है तनिरुप्याति, तो उसका यहाँ वह निरूपण करते हुए, उसका निरूपण करने के बाद वो क्या करता है, प्रकाश ब्रूते सामने होकर, यानी वह अब प्रकट होकर यहाँ ब्रूते यानी दिखाता है, कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है, कुत्र तव कंगणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है, व्याघ्र हस्त पसारे दर्शति, बाघ हाथ पसार के दिखाता है, बाघ हाथ पसार के दिखाता है। पंथो अवदत पथिक कहता है, जब बाघ हाथ पसार के दिखाता है तो पथिक कहता है, देखिए पथिक क्या कहता है कि कथम मरात्म के तो अपि विश्वास, यानी तुम एक अहिंसक जीव हो, बाघ से पथिक कहता है कि तुम एक अहिंसक जीव हो, कथम मरात्म के त्वमी त्वयि विश्वास, तुम पे हम विश्वास कैसे करें, तुम हिंसक जीव हो, तुम हिंसा पहुंचाने वाले हो, नुकसान करने वाले हो, तो तुम पे हम भरोसा कैसे करें। व्याघ्र उवाच, बाघ यहाँ पे बता रहा है पथिक को, श्रृणुरे पांथा, श्रृणुरे पांथा, यानी सुनो ये पथिक, हे पथिक सुनो, प्रागेव यवन दर्शना मति दुर्आसन, जब मैं जुआवस्था में था, यानी प्रागीण अवस्था में था, जब मैं जवानी के अवस्था में था, तो उस समय अनेकों गोमानु प्रणाम बांधव में कई तरह के गायों को, मनुष्यों को, और उसके जो बधान में पुत्रा मृताम दशरथ, उसके पुत्रों को मैंने मृत के घाट में उतारा, मैंने उसे मृत्यु को प्राप्त कराया। जब मैं जुआवस्था में था तो कई गायों को, मनुष्यों को, उसके पुत्रों को मैं मृत्यु के पथ तक लेके पहुंचा, या उसे मैंने मारने का काम किया, उसकी हत्या किया, हत्या करके अपने बुभुक्षा की तृप्ति किया, अपने पेट की भूख को मिटाया। यह बाघ अपने उपदेश को बता रहा है, अपनी बातों को समझा रहा है, और किसे समझा रहा है, तो उस पथिक से समझा रहा है, क्योंकि बाघ के नजर में पथिक लालची है, और लालची होने के कारण वह बाघ के बातों में फंसने वाला है। आगे क्या होता है इसमें है वंश हिनाश्य, और इसी कारण से मैं भी निर्वंशी हो गया, बिना वंश का मैं हो गया, मेरा तो वंशी नहीं है, मैंने इतना बध किया जिस बध के कारण मेरा वंशी समाप्त हो गया। तथा केंचिदात केंचिदात मणिकिणा
माँ दिष्ट। तभी किसी धार्मिक ने मुझे यह बात बताया, किसी धार्मिक ने मुझे यह उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? दान धर्माकृ चरतु भवान, यानी दान धर्म करो, दान धर्म करो और दान धर्म का आचरण अपनाओ, क्योंकि तदुपदेश दिदामि निहम स्नानम दातम वृद्धो गलित नकदंतम प्रथम न विश्वास भूमि। यानी वो कह रहा है कि देखिए हे पथिक, या देखो कि मेरे दांत गल गए हैं, मेरे नाखून गल गए हैं, मेरे शरीर के जो शिकार करने वाले हिस्से हैं वे गल चुके हैं। अब मैं कैसे, कथम न विश्वास भूमि, मुझ पे तुम भरोसा क्यों नहीं कर सकते हो? क्या मैं विश्वास करने के योग्य नहीं हूँ? क्या मैं विश्वास करने के लायक नहीं हूँ? माया च धर्म शास्त्राणि सुनो, माया के धर्मशास्त्र में आप देखेंगे कि धर्मशास्त्र में कहा गया है कि दरिद्राभ्यम कौन्ते माँ प्रछन्स्वस्य धनम व्याधि पथ्यम निरुजस्य की औषध है। यानी कि यहाँ कहा गया है कि दरिद्रोभ्यम कौन्ते, दरिद्र को ही दान करो, दरिद्र को ही क्या करो, दान करो। हे कौन्ते, दरिद्र पे दया करो, दरिद्र पे दान करो, क्योंकि माँ प्रछन्स्वस्य धनम, यानी धनवानों को धन देने से क्या मतलब, धनवानों को धन मत दो, धन देना है तो दरिद्र को धन दो, जिसको जरूरत है, जिसकी आवश्यकताएं हैं उसको धन दो, उसको दान दो, लेकिन जिसका भरा पूरा है उसको दान देने का क्या औचित्य है? क्योंकि व्याधि असंपथ्यम निरुजस्य किम औषध है, जो रोगी है रोगी को दवा दो, रोगी का उपकार, जो परोपकार करना है रोगी का, जब उपकार करोगे तो रोगी का उपकार करो, निरोग का उपकार करने से, निरोग का दवा देने से क्या औचित्य है? अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो स्वस्थ व्यक्ति को दवा देने का क्या औचित्य है? जो रोगी है रोगी को ना दवा देना है। तो इस तरह की बातों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि हे कौन्ते, दरिद्रों को दान दो, धनिकों को, यानी जो धनवान है धनवानों को मत दो, रोगी को क्या करो कि दवा का यहाँ प्रसय करो, लेकिन जो निरोग है उसे दवा देने की कोई जरूरत नहीं है। अन्यच्य और भी बातों को बता रहा है। यह बातें कौन बता रहा है? तो यह बाघ जो है उस पथिक को क्या कर रहा है कि अपने उपदेश के माध्यम से समझा रहा है। अर्थात पथिक को वो समझ चुका है कि वो पथिक लालची है, बाघ की बातों के, बाघ के उपदेशों को समझ सकता है। आगे कह रहे हैं बाघ के माध्यम से, दात व्यमिति यद दानम दियते अनुकारिणे देशे काले च पात्रेण च तद नानम सात्विकी बिंदु। यानी कि यदि दान देना ही है तो दान उसको दीजिए, दातव्यम यद दानम दियते अनुकारण है कि जिस, अगर दान देना है तो दान उसको दीजिए जिसने आप पे कोई उपकार कभी नहीं किया है। जो उपकार किया है उसको दान मत दीजिए, जो आज तक किसी ने उपकार नहीं किया है वैसे व्यक्तियों को दान दीजिए। दान का अर्थ यही होता है, दान का सही अर्थ होता है कि जो व्यक्ति दान के योग्य है और जो अभी तक कोई उपकार नहीं किया है उसको दान देंगे, क्योंकि उपकार किए हुए व्यक्तियों को दान देने का मतलब उसका मेहनताना देना हो जाता है, वह दान नहीं होता है। तो जो उपकार अभी तक नहीं किया है वैसे व्यक्तियों को दान देना ही दान होता है, क्योंकि यहां कहा जाता है कि देशे काले च पात्र च तद दानम सात्विक बिंदु, यानी कि उचित स्थान और उचित समय पर, उचित जगह पे, जैसे उचित स्थान पर, उचित समय पर और उचित व्यक्ति को ही दान देना सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जरूरत है वैसे ही व्यक्ति को दान दिया जाए, जिस व्यक्ति को नहीं जरूरत है उसको दान देने की क्या जरूरत। फिर यहाँ तदत्र सरसे स्वास्थ्य सुख अंकरण ग्रहण, यानी तब जाओ स्नान करो और सोने का कंगन ग्रहण करो। यह बाघ जो है पथिक को समझा रहा है, ततो यावत दस्यम दच्च प्रतीतो लोभस्त्र स्नातु प्रवेशति, और इस तरह से वह लोभ में आकृष्ट होकर, वह पथिक जो है लोभ में आकृष्ट होकर स्नातु प्रवेशति, वह स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाता है, स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाता है। कहाँ? तो नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश जब कर जाता है तो महापंख निमग्न पायितु वक्षम, यानी वह जाकर महापंख में क्या हो जाता है, जाकर फंस जाता है।
स्नान करने के लिए प्रवेश करता है और वहां दलदल होता है, क्योंकि बाघ अपने शुद्ध बुद्धि के माध्यम से उस दलदल के पास से उसको भेजने का प्रयास करता है और इस तरह से वो दलदल में जाकर फंस जाता है। पंखे पतित दृष्टवा व्याघ्रोदत, पंखे पतितम दृष्टवा पाक में फंसे हुए देखकर व्याघ्र अवदत, बाघ ने कहा, किससे कहा? तो उस पथिक से कहा। और क्या कहा? अहम महापंखे पतितो असि अवस्थ महम मुत्यम यापी, यानी कि अरे तुम महापाप में फंस गए, चलो हम तुम्हारा कल्याण कर देते हैं, तुम तो महापाप में फंस गए हो, चलो हम तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। इतन सनेम सनेम पमग्यतेन व्याघ्रणम धीरतम स पाथ्यो चिंतित, और धीरे धीरे जब बाघ जो होता है सने सने, यानी धीरे धीरे जब बाघ उस पथिक के अपने दिख जाता है, पंथो चिंतित, पथिक को बहुत चिंता हो जाती है और चिंता होने का कारण भी है, क्योंकि बाघ जब पथिक के पास आएगा तो चिंता होने का कारण भी है, क्योंकि वो तो लोभी है, समझ नहीं पाया और लोभ के में आकृष्ट होकर क्या हुआ कि बाघ के जाल में फंस गया। और इस तरह से यहां असेंद्रित चितनतानम हस्ति स्वान मेव क्रिया दुर्भाग्य दुर्भाग भरम प्राय ज्ञानम भरम क्रिया बिना, यानी कहा जाता है कि जिसकी इंद्रियां, जो भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति की यदि इंद्रियां अगर बस में नहीं हो, अवश्य अंदर हस्त स्नानम क्रिया, तो जिसकी इंद्रियां बस में नहीं हो और जिसकी क्रिया जो हो हाथी जैसे, हाथी के जैसा हो, जिसका स्नान करने की क्रिया कैसा हो कि स्नानम हस्ति स्वानमेवम क्रिया, जिसका स्नान करने की क्रिया हाथी के जैसा हो। स्नान करने की क्रिया हाथी जैसा क्यों तुलना किया गया इस श्लोक में? क्योंकि आप देखे हैं और नहीं देखे हैं तो आप जानिए इस बात को कि हाथी जब स्नान कर ले तो स्नान करने के बाद जब बाहर निकलती है तो धूल उठाकर अपने देह पर छिड़क लेती है, तो स्नान करने का तो महत्व ही समाप्त हो जाता है, वो स्नान करने का वैल्यू ही नहीं रहता है। तो हाथी की तरह स्नान करने की क्रिया जिसका हो, वैसे तो अगर कहा जाए कि भाग्यशाली जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति का अगर ज्ञान भी कहा जाए तो ज्ञान जो होते हैं वह क्रिया के बिना अगर वो करते हैं तो समझिए कि एक तरह का भार बनता है। क्या बनता है? तो एक तरह का भार बन जाता है। फिर यहाँ इति चिंतेस वासो व्याघ्रण व्यापादितम खादिस्य अत उत्तम, और इस तरह से उस चिंतित पथिक को बाघ क्या करता है, खा जाता है। और उत्तम अत उच्चते, और कहता है, कैसे कहता है कि कंकड़स्य तु लाभेन लोभेन मग्नम पंकेम सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रणेन संप्राप्त पथिक स मृतो यथा, यानी कि यहाँ राही जो है कंगन के अगर लोभ नहीं मिलता उसको, कंगन का लाभ लोभ नहीं आकृष्ट होता उसके अंदर, तो महापंख में तो फंस नहीं पाता, और जब महापंख में नहीं फंस पाता तो उस बूढ़े बाघ जिसका नाखून और दंत दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, उसके द्वारा वह पकड़ लिया जाता है और पकड़ कर क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, और अंततः वह बाघ का शिकार बन जाता है। और इस तरह से लोभ में आकृष्ट होकर वो पथिक जो होता है स्वयं अपने मृत्यु को अपने गले लगा लेता है। तो यही है कि अगर जो लोभ में आकृष्ट होता है उसे तो नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है, और ऐसे नुकसान उठाना पड़ता है कि जिंदगी उसकी समाप्त भी हो जाती है। इसलिए कोई भी काम, आप सभी बच्चों को एक तरह से इस पाठ के माध्यम से यह शिक्षा मिलता है कि कोई भी काम आप करें तो निश्चिंत होकर तब करें जब आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप वैसे ज्ञान का इस्तेमाल करें, आप सोच समझ के करें, किसी लोभ में आकृष्ट नहीं हो, लोभ में नहीं फंसे, क्योंकि लोभ जो होता है हमेशा दुख का कारण होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर लोभ हो वह हमेशा दुखी ही दुखी होता है, और इसलिए आप कभी भी लोभी बनने का प्रयास न करें। और ये पाठ समाप्त होता है, इसलिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।